नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। ये जीके जीएस की सुपर 15 सीरीज है। सुपर 15 सीरीज का मतलब क्या है? हर डिस्कशन में हम जीके के उन 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो पिछले काफ़ी सालों से एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो सुपर 15 सीरीज का ये पार्ट फर्स्ट है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2019 पद्म विभूषण विजेता नाम क्या है? तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो तीजन बाई का जो संबंध है ये है छत्तीसगढ़ से, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है सुमित्रा नंदन पंत। सेकंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कोलेरू झील ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। थर्ड क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन 28 फरवरी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ये आप याद रखेगा, बी ऑप्शन राज्यसभा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मंदिर भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये किस राज्य में है? ये है आसाम में। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन आसाम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1944 में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एट्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन 1944 ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था विनोबा भावे ने। नाइन्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन विनोबा भावे नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। टेंथ क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगती है? तो आप याद रखेगा टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है और इनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है यानी सबसे ज़्यादा जो समुद्र से लगती है तो ये लगती है गुजरात की सीमा। टेंथ क्वेश्चन का सी ऑप्शन गुजरात जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इलेवंथ क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए तो ये है महानदी रिवर पर। इलेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन महानदी रिवर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ट्वेल्थ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें ये उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी हैं? 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है मध्य प्रदेश। 13th क्वेश्चन का बी ऑप्शन मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 14th क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी डी ऑप्शन जो है 14th क्वेश्चन का ये सही आंसर है। 15th क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे हुसैन शाह, यानी 15th क्वेश्चन का बी ऑप्शन हुसैन शाह ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो सुपर 15 सीरीज का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये आप याद रखेगा। पार्ट सेकंड इसका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।